हेलो कालवा, आज मैं खड़ा हूँ टाटा जेस्ट के सामने में। ये सेकंड हैंड कार ली गई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेकंड हैंड कार कैसे लेते हैं, कितने की पड़ी है, और इनके हम ऑनर से भी बात करेंगे कितने की क्या पड़ी है उनको और चलने में कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये डीजल मॉडल है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहें। सो फ्रेंड्स, हमारे उमेंद भैया हमारे फ्रेम में खड़े हैं। हम उमेंद भैया का स्वागत करते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मस्त भैया। आपका नाम पहले हमारे पब्लिक को अपना इंट्रो बता दो, क्या नाम है आपका? उमेंद्र यादव। अच्छा भैया, अब सबसे पहले आप ये बताओ, ये कार लेने का आपका प्लान कैसे बना? मैं इस कार में करीबन 2 वर्ष पहले बैठा था। जब मैंने कार में बैठा तो मुझे इतना मस्त लगा कार की वजह, मेरा एक सपना बन चुका था ये कि मैं लूंगा तो यही लूंगा। और टाटा कंपनी से बंद करने के बावजूद भी मैंने ये कार पता किया और सेकंड हैंड खरीदा। सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले आपने क्या क्या यानी सोचा या फिर क्या रिसर्च किया कि यानी ऐसी कार लेना है या फिर कुछ किस कंडीशन की लेना है? मेरा बस सपना था मैं लूँ तो टाटा की जेस्ट ही लूँ, चाहे किसी भी कंडीशन में मिले। यानी अच्छी खासी कंडीशन में मिल गई है। क्या प्राइस में उठाए थे आपने इसको? इसकी प्राइस अभी 4 लाख की है। कब का मॉडल है भैया ये? ये 19 का मॉडल है। चलने में कैसी क्या लग रही है आपको, जैसा आपने सोचे थे वैसे निकली है या फिर? जैसा मैंने सोचा शायद उससे भी अच्छी निकली है। कितना एवरेज निकाल लेते हो आप इससे भी? भैया इससे 25 की एवरेज निकलते होगी। चलिए तो अब अंदर चल के बात करते हैं कैसा क्या है। ये आप इससे एवरेज कितने का निकाल रहे हो पहले ये बताओ तो आप। तो अभी गाड़ी की एवरेज 25 के भैया। 25 की एवरेज निकाल लेते हो? अभी से जाती है 25 की निकलती है, सिटी के अंदर 20 का। तो आपको यानी अच्छी खासी कंडीशन की कार मिल गई है जी। और चलाने वगैरह में कैसा कोई दिक्कत वगैरह या फिर ऐसा कुछ कि यार चलो ये दिक्कत आ रही है या फिर कुछ? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और टाटा की सर्विस को लेके क्या कहना है आपका? टाटा की सर्विस लेके मैं तो ये कहूँगा कि हम मैं संतुष्ट हूँ इससे, और शायद जो भी कस्टमर ये गाड़ी खरीदे वो भी चलाने पर संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू में क्या ही ये करे ज़्यादा, ऑनर से प्रीव्यू में सब कुछ अब आपको डायरेक्ट दिखाते हैं कि कैसी क्या है कंडीशन में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को डायरेक्ट अपन पूरा ओवरऑल एक व्यू देखते हैं वॉक अराउंड, और उसके साथ में देखते हैं किस कार की कंडीशन में है ये कार अभी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको बोनट ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सेकंड हैंड कार देखने से पहले सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कार एक्सीडेंटल तो नहीं है। एक्सीडेंटल चेक करने के कई सारे तरीके रहते हैं, या तो आप एक बेस्ट मिस्त्री को ले जाके आप एक्सीडेंटल वगैरह चेक करवा सकते हैं कंडीशन वगैरह की। चलो इसमें सेल्फ मारते फिर देखते हैं इंजन की क्या कंडीशन है। उतना तो नॉइजी नहीं है इंजन, जहां तक 60,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है गाड़ी। मैं इसकी ओवरऑल कंडीशन की बताऊं तो बम्पर तो ऐसा यार हर कोई ट्रैफिक वगैरह में लगते रहता है, बम्पर से ज्यादा कुछ ही नहीं है। बस मेन चीज रहता है इसका बोनट तो रिपेंटेड नहीं है, और कहीं से एक्सीडेंटल तो गाड़ी नहीं है। अभी जैसा कि भैया ने बताया, एक अच्छी खासी डील मिल गई इनको, कोई एक्सीडेंटल वगैरह तो है नहीं। अगर मैं आपको साइड का भी दिखाऊं, नॉर्मल स्क्रेचेस आना ये तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। अब पीछे के बम्पर वगैरह भी, अब टायर देखते हैं तो टायर भी अच्छे खासे तो नहीं है, क्योंकि टायर की एंडिंग आ गई है मेरे ख्याल से जब से कार लिए हैं अदर ऑनर ने, जो इसके पहले थे उनने तो टायर चेंज कराया नहीं है जहाँ तक, क्योंकि टायर पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अलॉय व्हील मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट है, क्योंकि ओरिजिनल टाटा के तो ऐसे अलॉय व्हील आते नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। ये चाबी से ही खुलेगी, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूँ डिग्गी दिखाने से पहले, यहाँ पे जेस्ट की बेजिंग मिलती है, साथ ही में प्रीमियो का बेजिंग भी मिल जाता है, जो कि एक उस समय अच्छा खासा थोड़ा मॉडिफिकेशंस के साथ में आई थी। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें लगेज वगैरह के लिए बूट स्पेस मिल जाता है। अब सेडान है तो थोड़ा बहुत तो उतनी फैसिलिटी तो मिलेगी, यहाँ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे साइड इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लैंप, यहाँ पे ब्रेक लाइट और पार्किंग लाइट भी मिल जाती है। अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूँ इसके डेस्कटॉप वगैरह की, तो डेस्कटॉप फुल्ली तो इंटैक्ट है। अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं 60,000 बोला था जबकि 69,400, यार कहाँ गया, एक मिनट फिर से आपको दिखा दूँ मैं, 473 करीब गाड़ी चली हुई है। यहाँ पे
उतना ज्यादा तो यूज नहीं हुआ है कार का, यानी जेन्युइन चली हुई है। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो लाइटिंग वगैरह इसके जो फर्स्ट ऑनर थे उन्हीं ने लगवाए हैं, और पैडल वगैरह भी ज्यादा घिसी नहीं है, साफ है कि गाड़ी जेन्युइन चली हुई है। यहाँ पे मिल जाता है हमें टच स्क्रीन, नहीं मिलता ये साइड का टच मिलता है जो कि स्विच वाला है, ऐसा यहाँ स्लाइड करूंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे हमें एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है, अंदर में एक स्विच दी है जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स की। यहाँ पे रियर व्यू मिरर, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। इस साइड में वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बैक साइड की। बैक साइड में अब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो सीट एडजस्ट नहीं है। जो बंदा था हमारे साथ में, यानी जिसकी कार है उनके अकॉर्डिंग सेट है, उनके पास 7 हाइट है, उसके बाद भी लेग स्पेस तो बहुत है, पर्याप्त है। बस यार दिक्कत यही है सेडानों में कि यहाँ पे जो हब बना रहता है इसमें तीसरे बंदे को बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ग्रैब हैंडल नॉर्मल है, सब कुछ एज इट इज है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।